वेलकम टू स्टडी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड एक्सरसाइज शायद था। आपसे कह रहा है ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है सर, और ये हमारे पास सेक्टर गिवन है। देखो वही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है 2019 में 3 मार्क्स के लिए, कि आपके पास रेडियस 21 सेंटीमीटर है और आपके पास एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आपसे कह रहा है। कर सकते हैं सर? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनसीईआरटी का, एज इट इज क्वेश्चन है, फिगर्स भी वही है, ठीक है, 21 ही रेडियस था, एंगल भी यही था। ये देखो सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2019 में आया था, ये नेशनल बोर्ड में समझ लीजिए, सीबीएसई दिल्ली कह लीजिए या इंडिया कह लीजिए, एक ऑल इंडिया लेवल पे जो अब्रॉड स्कूल्स हैं उसमें आया था, ऑल इंडिया लेवल या आउटसाइड दिल्ली, ये दिल्ली रीजन का था। ये हमारे पास है, ये सर्कल गिवन है, ये आपको सर्कल दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, इन द फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 7 और 3 सेक्टर्स मेंशन करें, मेकिंग एंगल्स ऑफ 60, 80 एंड 40। तो देखो कैसा क्वेश्चन उसने बनाया, ये हमारे पास उसने ले लिया और ये सेक्टर बना दिया और फिर ये सेक्टर बना दिया और फिर ये सेक्टर बना दिया, उसने मेंशन कर दिया कि सर ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, रेडियस उसने पहले ही मेंशन किया हुआ है। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये आपसे कह रहा है, ये शेडेड रीजन जो है हमारे पास, ये जो शेडेड रीजन है हमारे पास, इसका एरिया क्या है आपसे, कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन सिंपल सेक्टर्स है, अगर थोड़ा सा अलग नजर आ रहा हो तो ये फिगर अलग नहीं है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर 1, एरिया ऑफ सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 3। अब अगर आप यहां चेक करेंगे ना, सिर्फ एंगल ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आप चेक करो जरा, आपके पास क्या होगा पाई, है ना भाई, आर स्क्वायर, देखो इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 80 अपॉन 360, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर 60 अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर 40 अपॉन, तो क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पूरे उसमें से पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है सर, और पाई भी क्या होगा 22/7, और आर क्या होगा सर, थीटा देखो कितना हुआ, 80 प्लस 60 140 140 प्लस 40, सिंपल 180/, सबको समझ में आया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एंगल ऐड हो रहा है सर, आज के बाद से अगर टाइम से आ सके तो बहुत अच्छी बात, वरना क्लास छोड़ दीजिए और ऑफिस चले जाइए, साजिद सर की क्लास मिल जाएगी आप जी, इस बैच में बहुत सीरियसली पढ़ के आए, माशाल्लाह अच्छा लगे, ये पैसे खर्च करें तो आपको कुछ फायदा हो, शायद फायदा हो भी रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, प्रेजेंटेशन भी ठीक होगा, आ रहा है ना, इसका फायदा उठाइए ना प्लीज, इसीलिए मज भी किया कि भाई बच्चे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा टॉपिक कवर करने में मजा आए, ठीक है, मेरा पूरा पूरा इरादा है कि दिसंबर तक दोबारा से पूरे सारे चैप्टर रिवाइज कर दूं, टोटल बुक इंशाल्लाह दिसंबर तक, अक्टूबर चल रहा है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, अभी दिवाली की छुट्टियां आएंगी, ठीक है, फिर आपके पास विंटर ब्रेक आएगा, तो आराम से आपके पास टाइम मिलेगा, हम एक एक दिन में इंशाल्लाह आधा आधा चैप्टर एक एक चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे, बट वो तब चाहिए जब आपका इंटरेस्ट मुझे लगे, है ना, क्लियर है। तो बेसिकली अगर आप इस तीनों सेक्टर को एक भी कर देते तब भी बात वही आ रही थी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आर स्क्वायर वो ये थीटा एक हो गया, तो क्या आ गया भाई, ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया सीबीएसई में, ये आया था दिल्ली सीबीएसई में, नोट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कर लीजिए। फिगर नोट कर लीजिए बस, क्वेश्चन तो आई थिंक क्लियर है ही।
ये 2019 में दोनों क्वेश्चंस थे, ऑल इंडिया लेवल पे थोड़ा सा हम बाहर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह सकते हैं, बट वो तो सीधा एनसीईआरटी का था। ये 2018 में आया था, बिकॉज 2018 से आपके बोर्ड एग्जाम रिवाइज हुए, उससे पहले सीसी पैटर्न था, हाफ ईयरली एग्जाम जो थे। तो 2018 में ये हमारे पास क्वेश्चन था, सिंपल ये फिगर गिवन है, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके पास है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन इन द फिगर वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पेयर्स ऑफ मिड पॉइंट्स। ये हमारे पास आर्क हैं, कुछ इस तरह से आर्क, ठीक है सर। मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू आर, दीज आर मिड पॉइंट्स, ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। अब जैसे ही उसने स्क्वायर कहा तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही 90 हुआ क्वाड्रेंट हो गया, साइड सारी सेम है तो रेडियस सेम, सीधी सी बात। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपसे कह रहा है साइड इज 12, तो ये 12 है, ये रेडियस 6, आपसे कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये शेडेड है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट, सीधा रख देते आंसर आ जाए। सर सही है, ठीक है भाई, आर इस आपके पास स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है भाई, ये बस हो गया 22 और 66 36, 22 बाई 7 हमें 3.14 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, इनटू जो भी आप माइनस करेंगे वो आपका आंसर, क्लियर है, नोट करिए, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से फटाफट। हर बच्चा अलग से इंडिविजुअली, कि हाँ सर ये टर्म्स मुझे समझ में आ रहे हैं, अलग से अकेले, कि नहीं सर क्लियर है, तब ज्यादा मजा है। आप जब यहां से उठे तो आपको लगे कि मैंने 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस कर लिए। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मैं इसलिए बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको ये आइडिया हो कि लेवल कितना आता है। 4 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है, 2 या 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जिनमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने में। सीबीएसई का सीधा सीधा सा पैटर्न है, 60 से 70% हर बच्चा ले आए, ये एवरेज होता है। आप कहिए तो मैं अभी आपके सामने 2019 का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाता हूं, जो आप कहेंगे नहीं सर ये तो हम कर सकते, 60 से 70 से 80% वो बच्चे ला सकते हैं जिन्होंने थोड़ा सा सीरियसली स्कूल में भी अगर पढ़ लिया हो तो काम चल जाए, सीरियसली, यहां तो सिर्फ हम कह रहे हैं कि जिसने पढ़ लिया होगा वो ले आएगा, या थोड़ा सा तो 80% ले आते, 80 से 90, और उनसे ज्यादा वाला समझ लीजिए 90 से 95, जो बहुत ही आपके क्लास के, और बस ये 95 से 100, ये वाला पार्ट होता है सब, ये वाला पार्ट सबसे टफ होता है, 95 से 100 वो जीनियस वाली कहानी आ जाती है कि नहीं सर एक क्वेश्चन तो ऐसा डालना है कि हर कोई 100 ना लाए। तो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन है बस, वरना ये वाला पार्ट हर बच्चा कर सकता, ये वाला इजीली जो आप, और ये मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑल पे 80% तो आप ये मान के चलिए आज से आप सीरियस हो जाए 80% मार्क्स कहीं नहीं, बस इतनी सी ध्यान।
हमारे पास क्या है, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल। आपसे कह रहा है ये स्क्वायर है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में उसने कहा है 2017 बोर्ड में आया हुआ है कि सर ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड पे ये सर्कल बनाए उसने, ऐसे दीज आर द सर्कल्स ऑन द टू कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, और ये उसने इस तरह से उसे मार्क कर दिया है, यानी कि उसने कट कर दिए हैं। आपसे कह रहा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट बताइए, वेयर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड इज 28 सेंटीमीटर। ये उसने मेंशन किया है कि 28 है, और उसने कहा है कि रेडियस इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, ठीक है भाई, ठीक है, दोनों का रेडियस उसने हाफ दे दिया। तो क्या करना है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो आपने कट कर दिया उसके अलावा उसे चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है सर। हमारे पास टू क्वाड्रेंट्स हैं, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, टू क्वाड्रेंट क्या होता है सर, यस, ठीक है जी भाई। हमारे पास है क्या, हमारे पास है 28 इंटू 28 माइनस, यह हमारे पास क्या है 22 इंटू 14, ये बात है ना। तो यहां से आप इस 22 इंटू 14 को क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू, मैं इसको कह रहा हूं क्यों भाई, मैं इसको कह रहा हूं 11 इंटू 2, चॉइस आपकी, आप जैसे करना चाहो, मैं तो सिर्फ सिंपलीफाई करना की कोशिश। ये कितना हो गया 28, तो 28 क्या आ जाएगा कॉमन, अगर 28 कॉमन आ जाएगा तो 28 माइनस 11 कितना रहेगा जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है सर। तो ये आपके पास, अब आप चेक कर लो बेटा जी, मैंने 2017 का क्वेश्चन बताया आपको, 2018 का क्वेश्चन बताया है, 2019 का बताया, बताओ कौन सा ऐसा लेवल लगा आपको सर, ये सोचना पड़ रहा, ठीक है। दूसरी बात ये, आप 2019 का पेपर उठाओ, इधर देखो, इधर 2019 का पेपर अगर आप उठाओ, मैं आप सब बच्चों के लिए कह रहा हूं, अभी अब शौक आएगा आपको नवंबर दिसंबर में जाके सर सैंपल पेपर्स करेंगे, यू लाइक और आई लाइक के, माई लाइक के बहुत सारे सैंपल पेपर्स आते हैं मार्केट में, सबको शौक होगा, 150-200 रुपए का आप सब लेंगे और फिर उसे सॉल्व करने बैठेंगे, उससे कुछ नहीं होने जा रहा, ध्यान रखिएगा। उससे अच्छा तरीका क्या है आपका, आप पिछले चार पेपर उठा लीजिए, सिर्फ आप सब बच्चों को कह रहा हूं, चार पेपर कौन से उठाने हैं आपको, सुन लीजिए सर, 2018 सीबीएसई बोर्ड पेपर, 2018 कंपार्टमेंट पेपर, कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं, 2019 सीबीएसई पेपर, 2019 कंपार्टमेंट, सिर्फ आप ये ले ले, मैथ साइंस की तो किताब हमने पूरी आपको दे दी सारी 10 साल की, मैं सिर्फ चार पेपर कह रहा हूं। अब आप क्या करिए, आप इधर सुन लीजिए, इधर आप मान लीजिए आप चैप्टर वन कर रहे हैं, प्लीज इधर आप क्या कर रहे हैं, चैप्टर वन, चैप्टर वन अपना एनसीईआरटी से बढ़िया से कर लीजिए, और आपको लगे कि अब मैं एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन कर सकता हूं। अब आप इन चारों पेपर को देखिए, क्या आप चैप्टर वन के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं, जो इन पेपर में आया, ये आता है कॉन्फिडेंस बूस्ट लेवल, कि मैंने चैप्टर वन तैयार कर लिया तो क्या मैं ये चारों क्वेश्चन कर पाया, कर पाया, बहुत अच्छी बात। चैप्टर टू तैयार करिए, चैप्टर टू के क्वेश्चंस करिए, चैप्टर थ्री तैयार करिए, लीनियर इक्वेशन उसके क्वेश्चंस करिए, वहां से आएगा पहली चीज। दूसरी चीज, ये पेपर हो गया, अगर आपको कोई पेपर उठाना है तो पूरा पेपर बाद में, पहले चैप्टर वाइज, पहले क्या करना है, चैप्टर हर सब्जेक्ट में, आप साइंस पढ़ रहे हैं, पहले फिजिक्स, आपने लाइट पढ़ा तो पहले सिर्फ लाइट के, सिर्फ लाइट के क्वेश्चन, क्या मैं चैप्टर से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हर पेपर में कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ये देखिए। हम पूरे आगे पूरा पेपर ले लेते हैं, पर चला 10 क्वेश्चन हो नहीं रहे, वही कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता। तो पहले ये शोर तो करते चलिए कि कौन कौन से चैप्टर मेरे परफेक्ट हो गए, फिर वही पता चल जाएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, फिर उस पर करेंगे, ज्योमेट्री में आ रहे हैं कुछ लोग, तो वहां आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस चैप्टर में किस लेवल तक जाना है।
आ रहा समझ में? ये हर सब्जेक्ट की बता। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्टार्ट करिए तो ज्यादा मजा आएगा।